हम रोज शांति की तलाश में अध्यात्म की शरण में जाते हैं। कहते भी हैं कि अगर सुबह की शुरुआत ईश्वर की वंदना से हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। इसके लिए कोई दुर्गा देवी तो कोई शिव को, कोई बजरंगबली या सूर्य की आराधना करते हैं। किसी को अपने इष्ट देव का पता होता है तो उसके अनुसार पूजा करते हैं, तो कोई व्यक्ति बिना जानकारी के किसी भी देवता की पूजा करने लगता है। मतलब ये कि अगर हमें रास्ता पता है तो हम मंजिल तक आसानी से बिना विलंब के पहुंच जाते हैं, और नहीं पता होता तो पूछते पूछते सही गलत रास्ते पर चलते चलते कभी कभी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो कभी मंजिल से पहले ही दम तोड़ देते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो अपने इष्ट देव का अगर आपको पता होगा तो आप भगवान तक आसानी से पहुँच पाएंगे और भक्ति का सही मार्ग सुगम होगा। ईष्ट देव किसे कहते हैं? ऐसा इसलिए कि ईश्वर की कृपा जीवन में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जीवन में सुख शांति मिलती है, हमें दुखों का सामना करने की शक्ति मिलती है। लेकिन बहुत कम लोगों को अपने ईष्ट का पता होता है। हमारे ईष्ट देवी देवता कौन हैं और हमें किन की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे सभी दुखों का अंत होगा, इसके लिए हम जन्म कुंडली का सहारा लेते हैं और ग्रहों की स्थिति से जातक के इष्ट का पता लगाते हैं। इष्ट देव का अर्थ होता है अपनी पसंद के देवता। जन्म कुंडली और नाम की राशि से भी व्यक्ति के इष्ट देव का पता लगाया जाता है। जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होता है व्यक्ति की वही राशि होती है। राशि के अनुसार व्यक्ति के इष्ट देव का पता लगाया जा सकता है। महाभारत काल में गीता के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को इष्ट की महत्वता का बखान किया था। सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन सबका त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। ईष्ट अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए ईष्ट देव के ज्ञान से हम अपने किए गए पाप से दूर हो जाते हैं। ईष्ट देव की पहचान कुंडली के पंचम भाव से की जाती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो आपके जन्म की तारीख आपके नाम के पहले अक्षर की राशि या जन्म कुंडली की राशि के आधार पर इष्ट देव की पहचान की जाती है। अरुण संहिता, जिसे लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है, उसके अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए कर्म के आधार पर इष्ट देवता का निर्धारण होता है और इसके लिए जन्म कुंडली देखी जाती है। कुंडली का पंचम भाव ईष्ट का भाव माना जाता है। इस भाव में जो राशि होती है उसके ग्रह के देवता ही हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। इष्ट देव की पूजा करने से ये फायदा होता है कि कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह दोष क्यों ना हो, अगर इष्ट देव प्रसन्न हैं तो ये सभी दोष व्यक्ति को अधिक परेशान नहीं करते। जिस तरह से जन्म कुंडली में हम इष्ट का पता लगाते हैं, इसी प्रकार जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है वो भी अपनी राशि के अनुसार अपने इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं। जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं और लगन में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी व्यक्ति का स्वामी होता है। उस स्वामी के प्रमुख देवता उसके इष्ट देव होते हैं। स्वामी के नाम के साथ साथ किस अक्षर से कौन सी राशि होती है, आइए जानते हैं। मेष राशि। 12 राशियों में से मेष प्रथम राशि है। इसका चिन्ह मेड़ जैसा होता है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं। जिन लोगों का नाम चू चो चे लू ले लो ला ली आ से होता है उनकी राशि मेष राशि होती है, जैसे चेतन ललित आकाश आदि। मेष राशि के जातक हनुमान जी की पूजा के अलावा सूर्य देव या फिर भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानकर इनकी पूजा कर सकते हैं। हमेशा आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि। यह दूसरी राशि है। इसका चिन्ह बैल है तथा इस राशि के स्वामी का शुक्र ग्रह है, जिनका नाम ई ओ ऊ
ए वु वे वा वी वो से होता है, उनकी राशि वृषभ होती है। जैसे ओम प्रकाश, विवेक, वाणिज्य, इंद्रदेव आदि। वृषभ राशि वालों की इष्ट देव माँ लक्ष्मी होती हैं। इन जातकों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस राशि वालों को देवी लक्ष्मी के साथ नारायण की नियमित पूजा से सुख शांति की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि, यह राशि चक्र की तीसरी राशि है जिसका चिन्ह एक युवा दंपति है तथा इस राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जिनका नाम की कु घ रा छ के को ह से होता है। उनकी राशि मिथुन राशि होती है, जैसे कुशल, कोमल, हरिओम, करण आदि। मिथुन राशि के व्यक्ति के इष्ट देव श्री गणेश हैं, अतः उनकी पूजा करें। वहीं कुछ लोग माँ लक्ष्मी को ही इस राशि की इष्ट देवी भी मानकर पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा जहाँ किसी भी समस्या से बाहर आने में आपकी सहायता करेगी, वहीं माँ लक्ष्मी से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, कर्क चौथी राशि है जिसका चिन्ह केकड़ा होता है तथा इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जिनका नाम ही हु हे हो डा डी डू डे डो से होता है। उनकी राशि कर्क होती है, जैसे हीरालाल, हेमंत, हरिओम आदि। कर्क राशि के इष्ट देव चंद्रमा हैं और इन लोगों के इष्ट देव शिव जी हैं। इनकी पूजा से विशेष फल मिलता है। तीव्र बुद्धि का स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति। सिंह राशि, सिंह राशि राशि चक्र की पांचवी राशि है जिसका चिन्ह शेर है तथा राशि के स्वामी का नाम सूर्य है, जिनका नाम मा मी मू मे मो टा टी टू टे से होता है। उनकी राशि सिंह होती है, जैसे मुकेश, मुनेश, माही आदि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और आप गणेश जी को अपना इष्ट मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इष्ट देव हनुमान जी और माँ गायत्री हैं। कन्या राशि, कन्या राशि राशि की छठवीं राशि है जिसका चिन्ह कुमारी कन्या है तथा इस राशि के स्वामी का नाम बुध है, जिनका नाम ढो प पी पू श ण ठ पे पो से होता है। उनकी राशि कन्या राशि होती है, जैसे प्रदीप, पवन, प्रांजल आदि। कन्या राशि के जातक का स्वामी बुध है। इस राशि के जातक माँ काली और गणेश जी की पूजा करें तो उन्नति करते हैं। तुला राशि, तुला राशि राशि चक्र की सातवीं राशि है जिसका चिन्ह तराजू है तथा इस राशि के स्वामी का नाम शुक्र है, जिनका नाम र री रू रे रो ता ती तू ते से होता है। उनकी तुल राशि तुला होती है, जैसे रवि, रीना, रोहन, रिहान आदि। तुला राशि के जातक स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इसलिए इनकी इष्ट देवी माँ दुर्गा हैं, उन्हें इनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा जातक को शनि देव को अपना इष्ट मानना चाहिए, इससे किसी चीज़ की कमी नहीं होती और हमेशा मान सम्मान बढ़ता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि चक्र की आठवीं राशि है जिसका चिन्ह बिच्छू है तथा इस राशि का स्वामी मंगल है, जिनका नाम तो ना नी नू ने नो या यी यू से होता है। उनकी राशि वृश्चिक राशि होती है, जैसे नीलम, निर्मा, युवान आदि। वृश्चिक राशि के जातक स्वामी ग्रह मंगल हैं, इसलिए इष्ट देव हनुमान जी और राम जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, इनको अपना इष्ट देव मानना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि राशि चक्र की नौवीं राशि है जिसका चिन्ह धनुष है तथा इस राशि के स्वामी का नाम बृहस्पति है, जिनका नाम य यो भा भी भू ध फा ढ भे से होता है। उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि के जातक स्वामी ग्रह गुरु हैं और उनके इष्ट देव विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, साथ में हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान सकते हैं। इनकी पूजा करने से ही मंगल में मंगल होता है। मकर राशि, मकर राशि राशि चक्र की दशवीं राशि है जिसका चिन्ह मगरमच्छ है तथा इस राशि के स्वामी का नाम शनि है, जिनका नाम
भो जा जी खी खू खे खो गा गी से होता है, उनकी राशि मकर राशि होती है। जैसे जागृति, जीवंत, भूपेंद्र, गिरजा आदि। मकर राशि के जातक स्वामी शनि हैं, इसलिए उनके ईष्ट देव हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। उनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है, जिसका चिन्ह कलश है, जिसका नाम गु गे गो स सी सु से सो द से शुरू होता है, उनकी राशि कुंभ राशि होती है। जैसे सूरज, गोस्वामी, गुंजा, सुष्मिता, सुरेश आदि। कुंभ राशि के जातक स्वामी शनि हैं, इसलिए उनके ईष्ट देव हनुमान जी और शिव जी हैं। उनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु या मां सरस्वती को अपना ईष्ट देव मान सकते हैं। जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। मीन राशि। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि है, जिसका चिन्ह मछली है, जिसका नाम दी दू था झ या दे दो च ची से शुरू होता है, उनकी राशि मीन होती है। जैसे दीपक, देव आनंद, चमेली आदि। मीन राशि के जातक स्वामी गुरु ग्रह हैं और उनके ईष्ट देव विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। शिव जी को अपना ईष्ट देव मान सकते हैं। साथ में हर पूर्णिमा को चांद को अर्घ्य जरूर दें। किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।